अब साक्षात भवत प्राप्ति करने वाली 8 बातें बतलाई जाती हैं। उनमें कोई कोई साधन कठिन भी है, पर जिसे जो सरल मालूम हो उसे उसी का साधन करना चाहिए। कठिन को छोड़ सकते हैं। पहला सत्संग। महात्माओं के संग का नाम सत्संग है। सत्संग के 4 भेद कल बतलाए थे। पहला परमात्मा का संग, दूसरा महापुरुषों का संग, तीसरा साधक पुरुषों का संग, चौथा सत शास्त्रों का संग। भगवत प्राप्त पुरुष मिलने बड़े दुर्लभ हैं, किंतु मिल जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाती है। यदि महापुरुष नहीं मिले तो साधक को आत्मा के कल्याण के मार्ग में चलाने वालों का संग भी परमात्मा की प्राप्ति में बड़ा सहायक है। सत्संग की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई है, गीता में कहा है, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार को निसंदेह तर जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में अनेकों प्रमाण हैं। जाबाला का पुत्र सत्यकाम गुरु की आज्ञा पालन से मुक्त हो गया। आरुणी धौम्य मुनि की आज्ञा पालन से मुक्त हो गया। केवल आज्ञा पालन से ही मुक्ति हो जाती है। फिर यदि श्रद्धा साथ में हो तो बात ही क्या है। जो भगवान पर निर्भर हो जाता है उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसकी सारी जिम्मेवारी भगवान पर रहती है। दूसरा श्रद्धा। महात्माओं में जो श्रद्धा होती है वह शीघ्र भगवत प्राप्ति कराने वाली होती है। गीता में कहा है, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हमारी जैसी श्रद्धा होती वैसी हमारी इज्जत होती है। श्रद्धा बहुत उच्च कोटि की चीज है। प्रत्यक्ष सदृश विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, और प्रत्यक्ष से बढ़कर विश्वास हो उसका नाम परम श्रद्धा है। जैसे द्रौपदी की शिवजी के वचनों में परम श्रद्धा थी, उन्होंने उनके वचनों पर श्रद्धा करके लड़की को भी लड़का माना, उसका समय पर विवाह भी लड़की के साथ कर दिया। शिवजी के वचनों में श्रद्धा थी, बाद में वह लड़का हो गया। यह परम श्रद्धा का नमूना है। जितनी उच्च कोटि की श्रद्धा होगी उतनी परायणता होगी। ईश्वर महात्मा शास्त्र और परलोक इन चारों में से किसी एक पर श्रद्धा होने से भी कल्याण हो जाता है। नचिकेता का परलोक में श्रद्धा करने से कल्याण हो गया। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब होने का एकमात्र कारण श्रद्धा की कमी है। कमक सपना साधन में ढिलाई में भी श्रद्धा की कमी ही कारण है। तीसरा प्रेम। परमात्मा का ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार। सगुण साकार में भी राम कृष्ण शिव विष्णु जिस किसी से भी प्रेम करें उसे सर्वोपरि समझें, और ऐसा समझकर उनसे अनन्य प्रेम पूर्वक भक्ति करें। इस एक साधन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। केवल अनन्य विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। केवल भगवान के लिए ही भगवान से ही प्रेम हो। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखकर भगवान से प्रेम करने से शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में अनन्य भक्ति की बड़ी प्रशंसा की गई है। गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। प्रेम की रगड़ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम उच्च कोटि का होना चाहिए, फिर भगवान के मिलने में विलंब हो नहीं सकता। चौथा सेवा। निस्वार्थ भाव से स्वार्थ त्याग कर दूसरे की सेवा करना, हित करना चाहिए, न करने की अपेक्षा सकाम भाव से भी सेवा करनी चाहिए। पर सकाम भाव से सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति होना दुर्लभ है। निष्काम भाव से होने से मात्रा थोड़ी होने पर भी उस सेवा से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। भगवान ने कहा है,
इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। इसलिए कटिबंध होकर निष्काम कर्म योग करने से जल्दी कल्याण हो जाएगा। गीता 3:11 में कहा है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 5, परमात्मा का सात्विक ज्ञान, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता, केवल परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, उससे ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। केवल यह ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा क्या है। ज्ञान होने के बहुत से उपाय बतलाए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, महापुरुषों का संग, श्रद्धा भक्ति आदि, इन सब से ज्ञान होता है। ज्ञान होने के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। ज्ञान होने से पापी का भी उद्धार हो जाता है। यदि तू अनन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इस ज्ञान की प्राप्ति भगवत कृपा से भी होती है। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, चाहे जिस किसी साधन से हो। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होते ही प्रकाशयति तत्परम, अतः सब काम छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति में लग जाएं। ज्ञान होने पर परमात्मा की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। 6, भगवान की पूजा, इससे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। मानसिक पूजा से भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। मंदिरों में पूजा आरती पूजा करता है, दर्शन दूर से होता है, मन भी इधर उधर चला जाता है। इससे श्रेष्ठ घर में भगवान की मूर्ति की पूजा करना है, क्योंकि घर में पूजा आरती भोग आदि सेवा अपने हाथों से करते हैं, अतः मन इधर उधर कम जाता है। एक तो नौकर से पिता की सेवा करवाए और एक अपने हाथ से करे तो अपने हाथ से करना अधिक कीमती है। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है, चाहे हृदय काश में भगवान की मूर्ति स्थापित करके अथवा बाहर के आकाश में सारी सामग्री मन से रचकर क्रिया भी सब मन से करें। ऐसा होने से भगवत प्राप्ति शीघ्र होती है। मानसिक पूजा में मन इधर उधर नहीं जा सकता। भगवान की पूजा प्रेम से होनी चाहिए, प्रेम से भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता, उस शुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। प्रेम होने पर भगवान साक्षात प्रकट होकर खाते हैं। द्रौपदी का पत्ता भगवान ने प्रकट होकर खाया, शबरी के बेर से ही प्रसन्न हो गए, रंती देव के जल को ग्रहण किया, गजेंद्र के पुष्प को स्वीकार किया। ये चारों चीज जुटाने की भी जरूरत नहीं, केवल एक वस्तु से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। 7, परमात्मा का ध्यान, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान अनन्य होना चाहिए, लक्ष्य भगवान का होना चाहिए, भगवान के सिवा अन्य किसी से प्रेम करे नहीं। ऐसा करने से ही शीघ्र काम बनता है। मेरे ख्याल से तो 15 दिनों में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। ध्रुव जी ने 5.5 महीने में ध्यान करने पर भगवत प्राप्ति की थी। हम वैसा साधन करें तो 5.5 दिन में ही हो सकती है। वैसा ध्यान आजकल होना मुश्किल है। उन्होंने श्वास रोककर निराहार रहकर एक पैर से खड़े होकर ध्यान किया, पर आजकल तो इसके बिना भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। बस परमात्मा का ध्यान होना चाहिए।
ध्यान करते करते हम चाहे सो करें परंतु ध्यान का तार ना टूटे।